देश की सुरक्षा की सुनिश्चितता निर्भर है हमारी सीमाओं पर। देश की सीमाओं पर बसने वाले गांव, कस्बे जो कि देश के आखिरी नहीं बल्कि प्रथम गांव है और वे किसी भी तरह की विकासशीलता से वंचित नहीं रहे, ऐसा अति महत्वपूर्ण एवं अनूठा दृष्टिकोण है हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनके चलते फरवरी 2022 में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की घोषणा की गई, जिसके उद्देश्य सीमांत क्षेत्रों से होने वाले पलायन को रोकना, आर्थिक सशक्तिकरण एवं आधारभूत संरचनाओं को विकसित कर इन्हें मुख्य धारा से जोड़ना है। आज इस राष्ट्रीय एकता दिवस पे जमीन से तकरीबन 15,000 फीट की ऊंचाई पर बसे भारत चीन सीमा से लगे अति दुर्गम 25 गांव से आए हैं 100 से अधिक युवा कलाकार, जो अपनी पारंपरिक वेशभूषा एवं संस्कृति और अपने प्रदेश की खूबियों का करेंगे वर्णन। Ladakh, solar energy and handicrafts. Arunachal Pradesh, horticulture and adventure sports. Binamul वादियों और पहाड़ों एवं झीलों का प्रदेश, जहां पर पर्यटकों को आकर्षित करता है एडवेंचर स्पोर्ट्स, और वहां की खूबी है बागबानी। Thank you.
homestay and organic farming. कुदरत की ओर से हमारे देश को मिलने वाली अद्भुत भेंटों में से एक प्राकृतिक संपदाओं से भरा हुआ सिक्किम, जहां पर विशेष आकर्षण है ऑर्गेनिक फार्मिंग. पृथ्वी को ऊर्जावान रखने वाले अरुण का जिस दिशा से होता है उदय, उसी दिशा में स्थित विद्युत ऊर्जा से ऊर्जावान ये है अरुणाचल प्रदेश. वाइब्रेंट विलेज की प्रस्तुति ITBP के द्वारा. ये
विशेष वाइब्रेंट विलेज की प्रस्तुति आईटीबीपी के द्वारा प्रोड्यूस्ड बाय टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नृत्य निर्देशन डॉक्टर गिलेश लेंजवन एंड ललित तनेजा